नमस्कार, इंडिया खबर लाइव में आपका स्वागत है। मैं हूं निशा और अब खबरें विस्तार से। ग्वालियर में स्वच्छता अभियान तथा इको ग्रीन कंपनी के माध्यम से किए जा रहे डोर टू डोर कचरा कलेक्शन कार्य की समीक्षा के लिए कलेक्टर अनुराग चौधरी की अध्यक्षता में रविवार को प्रशासनिक और निगम अधिकारियों की बैठक आयोजित की गई। बैठक में नगर निगम आयुक्त संदीप माकिन सहित तमाम आला अधिकारी मौजूद रहे। स्वच्छता रैंकिंग में ग्वालियर के पिछड़ने के बाद कलेक्टर अनुराग चौधरी द्वारा रविवार को निगम अधिकारियों के साथ बैठक कर चेकिंग में पिछड़ने पर चर्चा की गई। इसके साथ ही उन्होंने स्वच्छता अभियान तथा डोर टू डोर कचरा कलेक्शन और कचरे से बिजली बनाने के संयंत्र स्थापना के संबंध में जानकारी दी। कलेक्टर ने अधिकारियों से कहा कि स्वच्छता से जुड़े कार्य तत्काल पूरे किए जा सकते हैं, उन्हें प्राथमिकता पर रखा जाए ताकि शहरवासियों को साफ स्वच्छ वातावरण मिल सके। बेसिकली आप जानते हैं कि पर्यावरण भी हमारा इंपॉर्टेंट अंग है, तो हम कोशिश करेंगे हम ऐसी कोई टेक्निक अपनाएं जिसमें पेड़ को जड़ सहित ही उखाड़ा जा सके और उसको कहीं ट्रांसप्लांट कर लिया जाए। और इस प्रकार के लिए भी हम कमिश्नर नगर निगम और एसपी साहब भी इसलिए ही बैठे हुए थे कि हम और भी पॉइंट्स को ऐसे 10-15 दुकानें चिन्हित करके जिनकी वजह से ट्रैफिक न्यूसेंस हो रहा है, कहीं जगह शराब की दुकानें से हो रहा है, कहीं पर पान के ठेलों से हो रहा है, तो उन्हीं सब पॉइंटों पर भी हम लोग चर्चा कर रहे थे और हमें लगता है कि हम शहर को व्यवस्थित बनाने में हम लोग सब लोग मिलकर काम करेंगे। पानी का टैंकर सप्लाई करने के लिए गए दो सगे भाइयों की हत्या कर दी गई और हत्या को हादसा दिखाने के लिए हत्यारों ने उन्हें मारने के बाद सब ट्रैक्टर के पहिए के पास डाल दी, लेकिन सिर में गोली लगने जैसा घाव मिला जिससे खुलासा हो गया कि दोनों भाइयों की मौत सड़क हादसे से नहीं बल्कि सोची समझी साजिश के तहत हत्या की वारदात को अंजाम दिया गया है। दोनों के शव बेला की बावड़ी स्थित बेला गाँव की तरफ जाने वाले रास्ते पर पड़े मिले हैं। हत्या के इस सनसनी मामले में पुलिस पड़ताल कर रही है। एक संदेही को भी हिरासत में लिया गया है। जनगंज स्थित अवधपुरी में कलारी के पीछे रहने वाले दुर्गा प्रसाद कुशवाहा के दो बेटे धीरेंद्र और दीपू पानी का टैंकर सप्लाई करने का काम करते थे। गत रोज दोनों भाई गोल पहाड़िया पर टैंकर लेकर खड़े हुए थे। इसी दौरान एक ग्राहक उनके पास आया और बोला कि उसे बेला की बावड़ी में पानी का टैंकर डलवाना है, जिसके बाद 800 रुपये में सौदा तय हुआ। इसके बाद दोनों भाई टैंकर लेकर बेला गांव के लिए निकले थे। शाम करीब 5 बजे बेला गांव से पनियार जाने वाले रास्ते पर दो युवकों के शव पड़े मिले। एक का शव ट्रैक्टर के पहिए में के बिल्कुल नज़दीक पड़ा था, दूसरा उसके पास। पहले ये हादसा लग रहा था, फिर पुलिस फॉरेंसिक एक्सपर्ट्स आनंद पांडे के साथ पहुंची। दोनों की पहचान धीरेंद्र और दीपू के रूप में हुई। परिजन इस मामले में हत्या की बात कह रहे हैं, जिस पर पुलिस मामले की विवेचना में जुटी हुई है। अरे साहब, किसी ने यहाँ पर ट्रैक्टर रोक के ना ही मेरे को तो ऐसा लग रहा है साहब मारा है बच्चों को, दोनों को मेरे को, दोनों की दीपू और धीरेंद्र की। क्या करते हैं ये? ये टैंकर ही चलाते हैं साहब। सुबह से क्योंकि मेरे पास से 2 बजे आए थे कि मैं पानी का टैंकर लेके जा रहा हूँ बेला की बावड़ी, और तो ये 3 बजे मैंने इनको फ़ोन लगाया है, मैंने कहा लौट के नहीं आया अभी तक, तो फ़ोन नहीं उठा रहे थे, फ़ोन नहीं उठाए तो मैं फिर देखता देखता मैं फिर यहाँ तक आया हूँ। जब मेरे को यहाँ पर आकर नहीं है पुलिस ने फ़ोन उठाया है, जब मेरे को मालूम पड़ी है। कल के घटनाक्रम में दो व्यक्तियों की बॉडी मिली थी, उसके पश्चात अज्ञात में एक मुकदमा दर्ज किया गया है मर्डर का, और उनके परिवारजनों ने बताया कि किसी व्यक्ति ने फ़ोन करके उनको बुलाया था। जिस व्यक्ति ने फ़ोन किया था उसका नंबर भी आ गया है, और हमारे जो साइबर सेल की टीम है और एडिशन एसपी वेस्ट हैं वो अपने पूरी टीम के साथ में वहीं पर लगे हुए हैं, अभी घटनास्थल के आसपास ही हैं, और आशा करते हैं कि अतिशीघ्र उनका खुलासा हम लोग कर देंगे। नहीं, ऐसा कुछ आवश्यकता नहीं पड़ी उन लोगों को, क्योंकि प्रशासन और पुलिस लगातार संपर्क में थे, पीड़ित परिवार के साथ में थे। कल रात को मैं भी गया था, परिवारजनों से मिलकर सांत्वना दे के आया था, उन लोगों से मैंने बैठ के चर्चा भी की थी कि कोई और आपके विषय हैं, कोई आपको शक है तो मुझे बताइए, तो इस प्रकार की कोई ऐसी अभी समस्या सामने नहीं आई। बेला की बावड़ी पर दो भाइयों की हत्या की सनसनीखेज वारदात के बाद परिजनों के आक्रोश को देखते हुए पुलिस भी सुरक्षा के मद्देनजर पूरी तरह मुस्तैद रही। परिजनों ने चक्का जाम करने का भी प्रयास किया, लेकिन पुलिस ने परिजनों को समझा बुझाकर रवाना कर दिया और चक्का जाम नहीं होने दिया। इसके साथ ही मृतक के निवास स्थल के आसपास काफी संख्या में पुलिस बल की तैनाती भी की गई, ताकि किसी प्रकार की अप्रिय घटना न हो सके। इसके लिए जनगंज थाना, गोल पहाड़िया चौकी और बेला की बावड़ी रास्ते पर भी पुलिस बल तैनात किया गया। चूंकि ये बात सही है, जिनके यहाँ घटना होती है वो लोग आक्रोशित होते हैं, तो हम लोगों ने उनसे बात की कि पुलिस लगातार कल से ही प्रयास कर रही है। कल एसपी सर ने खुद आके बात की, उनके परिवारजनों से घटनास्थल पे देखा, तो हम सब लोग लगातार लगे हैं उसमें और कई टीमें लगा रखी हैं, एसपी साहब ने लगातार उसकी मॉनिटरिंग कर रहे हैं स्वयं,
तो निकलेगी घटना, प्रयास कर रहे हैं जल्दी निकल जाएगी। फोर्स तो एक एहतियात के तौर पे हम लोग रखते ही हैं हर जगह। लाइसेंसी हथियार थानों में जमा करने की रफ्तार इस बार स्लो है। कलेक्टर अनुराग चौधरी ने 10 मार्च को जारी आदेश में सभी 29,000 लाइसेंसियों को हथियार पुलिस थानों व लाइन में एक सप्ताह में जमा करने को कहा था। एक सप्ताह की यह समय सीमा रविवार को पूरी हो गई, जिस पर जिला निर्वाचन अधिकारी ने एक सप्ताह के लिए हथियार जमा कराने की तारीख आगे बढ़ा दी है। पुलिस सूत्रों के मुताबिक पिछले 7 दिन में 50% अर्थात 14,300 हथियार ही जमा हुए हैं। इसी कारण अंतिम दिन रविवार को थानों में कतारें देखने को मिली, लेकिन अंतिम दिन बाकी रहे हथियार जमा नहीं हो पाए, जिस पर कलेक्टर ने हथियार जमा करने के लिए लाइसेंसियों को एक सप्ताह का अतिरिक्त समय दे दिया है। कलेक्टर अनुराग चौधरी के नए आदेशों के तहत अब 25 मार्च तक थानों में हथियार जमा हो सकेंगे, जिसके बाद हथियार जमा न करने वाले शस्त्र धारकों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। वो हमें डेट हमने आगे बढ़ा दी, एक हफ्ता हमने आगे बढ़ा दी। लगभग कितनी डेट? हमने 25 तारीख तक हमने इस डेट को आगे बढ़ाया। ग्वालियर के मुरार थाना इलाके में बीती देर रात एक युवक ने घर में रखी लाइसेंसी बंदूक से गोली मारकर आत्महत्या कर ली। गोली चलने की आवाज से घर वालों की आंख खुली, जिसके बाद घायल युवक को JH ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। मृतक ने गोली क्यों मारी अभी इस बात का खुलासा नहीं हो सका है। जानकारी के अनुसार मुरार के प्रसादी मोहल्ले में रहने वाला रामेंद्र सिंह राठौर विगत कुछ दिनों से मानसिक रूप से किसी बात को लेकर परेशान चल रहा था। उसका एक साल पूर्व ही विवाह हुआ है। बीती रात उसने अपने लाइसेंसी 315 बोर की राइफल से गोली मारकर आत्महत्या कर ली। घटना की जानकारी मिलने पर मौके पर पहुंची पुलिस ने मृतक के शव को PM हाउस पहुंचा, साथ ही घटना में प्रयुक्त राइफल भी बरामद कर ली है। पुलिस मामले की जाँच पड़ताल में जुटी हुई है। सर ये तो पता नहीं है, पर ये खाना खा के आया था शादी से, उसके बाद ये घर पे गया है, उसके पास ये सब हो गया। क्या नाम था, क्या उम्र थी, क्या करता है? ये रावेंद्र राठौर का नाम है और 25 साल का है, और काम इसका था गिट्टी का। अभी मृतक रामेंद्र सिंह है, इसने अपनी खुद की लाइसेंसी बंदूक से गोली मारी है, आत्महत्या करी है। अभी जांच का विषय है, जांच में जो होगा वैसा। उम्र लगभग कितनी होगी? उम्र लगभग 26 साल है। कुछ कारण मालूम पड़ा है? अभी तक कुछ कारण मालूम नहीं पड़ा है। क्या करते थे वो, कौन सी बंदूक थी? 315 है, खुद की है, स्वयं की, उससे किया है। कोई लेटर वगैरह? अभी कुछ नहीं मिला, तो लेटर वगैरह कुछ नहीं मिला अभी। और कहाँ निवासी, कहाँ के? ये प्रसादीपुरा। ग्वालियर के इंद्रगंज थाना इलाके के शांति मोहन अपार्टमेंट में एक कपड़ा व्यापारी की रहस्यमय ढंग से मौत हो गई, जिसके बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने मृतक के शव को PM पहुंचाकर मामले की विवेचना शुरू कर दी है। कपड़ा व्यापारी हेमंत जैन का दौलतगंज में साड़ियों का कारोबार है, और रविवार को ओल्ड हाईकोर्ट के सामने बने शांति मोहन अपार्टमेंट में उनकी संदिग्ध परिस्थितियों में हत्या हो गई। पुलिस के अनुसार उनका रक्त रंजित शरीर अपार्टमेंट में पड़ा मिला, जिसके बाद उन्हें अस्पताल पहुंचाया गया, जहां डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। हेमंत जैन की मौत क्यों हुई है अभी इस बात का खुलासा नहीं हो सका है। मैं तो अपने एक मित्र के साथ आ ही रहा था, गाड़ी टिकाई है मैंने, इतने में हल्ला मचना शुरू हो गया था। मैं भक्का ऊपर गया तो देखा, बोले एक्सीडेंट हो गया, गाड़ी ऑटो बुलाओ। बस मैं ऑटो लेने के लिए बाहर गया हूँ, उसके 5 मिनट बाद हमने उनको उतारा है होटल की गाड़ी से, हम होटल वहाँ ले गए हॉस्पिटल, उसके बाद वहाँ मना कर दिया। कौन थे, क्या करते थे? ये व्यापारी थे, दही मंडी में इनकी दुकान। अभी एक हेमंत जैन नाम के व्यक्ति की एक्सपायर होने की सूचना है। अभी कुछ भी कहना इस मामले में जल्दबाजी होगी, अभी कुछ भी कहा नहीं जा सकता, अभी जांच मौके से जांच की जा रही है। आपने मौका मुआयना किया कुछ? वहाँ पे कुछ ब्लड स्पॉट्स मिले हैं और FSLT मारी है, FSLT में मौका मुआयना करने के बाद CCTV भी लगे हैं। CCTV अभी पूरी तरह से देखा नहीं गया है। अभी कुछ भी कहा जाना संभव नहीं है। अभी जी हेमंत जैन साड़ी के व्यापारी हैं। घर वालों में भी उनकी पत्नी बिल्कुल अनकॉन्शियस टाइप की है, कुछ भी बताने में अभी बहुत मतलब वो सक्षम नहीं है। अभी आपकी डॉक्टर से बात ही, डॉक्टर का कहना है कि चोट होने लगी। हाँ डॉक्टर साहब ने बोला है उनको चोट टाइप की कुछ है, लेकिन पूरा मामला जांच के बाद ही कुछ हो पाया।
पिछड़ा वर्ग संयुक्त संघर्ष मोर्चा ग्वालियर द्वारा पिछड़ा वर्ग समाज को संवैधानिक अधिकारों के प्रति जागरूक करने और समाज में फैली कुरीतियों को दूर करने के लिए रविवार को सामाजिक न्याय व्याख्यान माला का आयोजन किया गया। गांधी रोड स्थित किरार भवन में आयोजित हुई इस व्याख्यान माला में राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग जागरण प्रमुख के बहादुर सिंह लोधी, रिटायर्ड वरिष्ठ लेखा अधिकारी मुख्तियार सिंह यादव मुख्य अतिथि के रूप में मौजूद रहे। वहीं समारोह की अध्यक्षता जीआर मेडिकल कॉलेज के सर्जन डॉक्टर राजेश अवस्थी द्वारा की गई, जहां अतिथियों ने विभिन्न विषयों पर अपने अपने विचार भी सबके सामने रखे। हमारा उद्देश्य है पिछड़ा वर्ग समाज के अंदर फैली हुई धर्मांधता, पाखंडवाद, कुरीतियां से जागृत कर वैज्ञानिक शिक्षा की ओर विकसित करना और संवैधानिक हक अधिकारों के प्रति समाज को जागृत करना। पिछड़े वर्ग के संवैधानिक हक और अधिकार जो संविधान में वर्णित हैं, अनुच्छेद 340 के अनुसार जो शैक्षणिक और सामाजिक आधार पर आरक्षण का प्रावधान है, उसके प्रति समाज को जागृत करना, यही हमारा उद्देश्य। ग्वालियर के आंतरी थाना क्षेत्र के ग्राम कछौवा में एक आरटीआई कार्यकर्ता गौरी शंकर राजपूत पर भ्रष्टाचार को उजागर करने के मामले में कुछ लोगों द्वारा हमले का मामला सामने आया है। आंतरी थाना पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। शिक्षक भर्ती घोटाले को उजागर करने वाले आरटीआई कार्यकर्ता गौरी शंकर ने धर्मेंद्र यादव और सुनील राजपूत और अन्य लोगों के खिलाफ मारपीट और जान से मारने की धमकी की शिकायत दर्ज कराई है। गौरी शंकर का कहना है कि उन्हें संविदा शिक्षक धर्मेंद्र यादव और उसके साथियों ने बात करने के लिए गांव बुलाया था। बातचीत करने के दौरान विवाद होने पर मारपीट की गई। उसके पश्चात जब वो वहां से निकल गए तो गाड़ी का पीछा कर बीच सड़क पर रोक कर दोबारा जान से मारने की कोशिश की गई और चार पहिया गाड़ी में तोड़फोड़ की गई। पुलिस मामले की जांच में जुटी हुई है। धर्मेंद्र यादव शिक्षक है जो कि भ्रष्टाचार में लिप्त था, उसकी अंक सूची फर्जी पाई गई है। इस मामले की शिकायत को ना करने के लिए मुझे सुनील यादव पुत्र प्रभुदयाल ने फ़ोन करके बार बार बुलाया। मैं भितरवार में था, चूँकि छीमक से निकल के आया था तो कछुआ पे मिलने का बात हुई। इन काफ़ी रिश्तेदार समाज के थे, इसलिए मैंने कछुआ पे मिलने के लिए कहा। इतने में वो लोग जब बात नहीं बनी तो वहाँ से गाली गलौज करके चांटा मार के सब लोग वो यहाँ से निकल गए। जब आगे रास्ते में निकल तो रास्ते को मेरी गाड़ी को ओवरटेक करके ने घेरा और लाठियों से डंडों से मतलब बौछार कर दी। मैं अपनी जान बचा के जैसे तैसे भाग गया। अब ये है कि टीआई साहब कोई सुनवाई नहीं कर रहे हैं मेरी, क्योंकि मेरी जान को खतरा है। शिक्षक भर्ती फर्जीवाड़े में काफ़ी लोग इन्वॉल्व हैं जो कि मुझे जान से मारने की धमकियाँ दे रहे हैं कि इस मामले को उजागर ना किया जाए। सुनील यादव वगैरह ये सभी लोग इसमें इन्वॉल्व हैं। एक आरटीआई एक्टिविस्ट है गौरी शंकर राजपूत, ये इनका कहना है कि ये एक सुनील यादव है, इसके जिया कोई एक शिक्षक भर्ती में फर्जीवाड़े में पाया गया था। इसने इसमें एक्टिव हुआ है उसमें, तो उस व्यक्ति ने कल भितरवार में इनके साथ इनको धमकी वगैरह दी है और गाली गलौज किया था, उसके ने मुकदमा कायम किया था। फिर उस व्यक्ति द्वारा ग्राम कछुआ में पंचायत बुलाई गई थी, इसमें ये गए थे, वहाँ भी इनसे गाली गलौज हुआ है। उसके बाद इनका कहना है कि वापस आते वक्त एरआई के पास में इनकी गाड़ी में तोड़फोड़ की गई है। फिलहाल आवेदन ले लिया गया है, उसकी जांच करके कार्रवाई की जाएगी। डबरा शहर थाना क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले गुप्तापुरा में हनुमान मंदिर के पास एक कार चालक ने शराब के नशे में धुत रहकर इतनी तेजी व लापरवाही से कार चलाते हुए सड़क किनारे खड़े एक विद्युत पोल में टक्कर मार दी है और पोल मंदिर की बाउंड्री पर जा गिरा। गनीमत रही है कि हादसे के समय वहां और अन्य कोई वाहन व राहगीर नहीं था, नहीं तो एक बड़ी दुर्घटना हो सकती थी। घटना की जानकारी जैसे ही विद्युत विभाग को लगी, उन्होंने पोल को हटाकर स्थिति को नियंत्रित किया। दो जून को रोटी की तलाश में अपना घर बार छोड़कर रविवार पहुंचे कुछ मजदूरों को उनके ठेकेदार की कारगुजारियों के कारण अब भूखों मरने के लिए मजबूर होना पड़ रहा है।
और अब परेशान होकर ये मजदूर रविवार को पुलिस से गुहार लगाने पहुंचे, जहां पुलिस अधिकारियों से भी इन्हें निराशा हाथ लगी। दरअसल सागर से ग्वालियर मजदूरी करने पहुंचे यहां मजदूर यहां अचलेश्वर मंदिर के पास बन रही बहुमंजिला इमारत में पिछले 3 महीने से काम कर रहे थे, लेकिन ठेकेदार द्वारा इन्हें समय पर न तो इनकी पगार दी जा रही है और न ही खाने पीने का इंतजाम किया गया है, जिसके कारण इनके सामने अब भूखो मरने की नौबत आ गई है। और रविवार को परेशान होकर ये मजदूर इंदरगंज थाने भी पहुंचे, लेकिन पुलिस ने इन्हें यहां से भी चलता कर दिया गया। बताया गया कि किसी सोनू नाम के ठेकेदार द्वारा इन्हें काम के लिए बुलाया गया था, लेकिन पिछले 2 दिन से ठेकेदार गायब है और उसने अपना मोबाइल भी बंद कर लिया है। हाँ, हमारे साथ कम से 15 दिन से भटक रहा लीवर के साथ, ना ठेकेदार सुन रहा, ना कोई मालिक सुनते, कोई नहीं सुन रहा, ना खाने को पैसा भी नहीं है, 2-2, 3-3 सौ रुपये देता है हर हफ्ते में। जैसी परेशानी से हम लोग काट रहे हैं। सोनू ले आया था ठेकेदार, है फोन बंद करके भाग गया। अब थाने थाने जा रहे हैं, यहाँ से वहाँ भगा रहे, वहाँ से वहाँ, तो अब हम लोग कहाँ जाए बताओ। भूखे प्यासे फिर रहे, ना खाना बनाया अभी कुछ। पैसे तीन महीना होगा काम करते करते ठेकेदार पैसे नहीं दे रहा है, भाग गया रात कल शाम को। हाँ, दे नहीं रहा है, खर्चा कभी दे देता है कभी नहीं देता है। हम 25 आदमी हैं, 24-25 यहीं भटक रहे सर, खाने को पैसे ही नहीं है और ठेकेदार चला गया, आप किससे मांगे पैसे? तो कोई नहीं सुन रहा है साहब हमारी, ना कंपनी वाले सुन रहा है, ना कोई नहीं सुन रहा है। चाइना द्वारा आतंकवाद को समर्थन देने के विरोध में रविवार को अखिल भारतीय ग्राहक पंचायत के सदस्यों ने दौलतगंज स्थित अग्रसेन पार्क से महाराजपाड़ा तक रैली निकालकर चाइना के सामान का विरोध किया और लोगों से अपील की कि देश की अर्थव्यवस्था को मजबूत बनाने के लिए चाइना के सामान का बायकॉट किया जाए। ये ग्राहक पंचायत के तत्वाधान में आज जो चाइना जो है पाकिस्तान का जो साथ दे रहा है, आतंकवाद का जो साथ दे रहा है, उसके विरोध में, चाइना की वस्तुओं के बहिष्कार के विरोध में आज हमने रैली निकाली। ये रैली हमने अग्रसेन चौराहे से जो है भाड़े होते हुए, सराफे होते हुए, और यहीं पर समापन किया अग्रसेन चौराहे पर। इस रैली का उद्देश्य ये था कि चाइना जो अभी कुछ दिन पहले आपने देखा होगा आतंकी पुलवामा जो हादसा हुआ था, उसका गुनहगार जो मसूद अजहर है, उसको चाइना ने अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर आतंकवादी घोषित होने से फिर बचाया है, वहाँ अपना वीटो का प्रयोग किया है, और ये पिछले कई बार से ऐसा करता चला आ रहा है चाइना। तो हम लोग जो है, हम भारत की जनता है, कुछ कर्तव्य बनता है कि हम अपने हैंड से कुछ करें। इसी के तहत हम लोगों ने आज ग्राहक पंचायत के तहत आज हमने चाइना की वस्तुओं का बहिष्कार किया है। प्रत्येक वस्तु का हम लोग बहिष्कार करेंगे, हम शपथ लेते हैं आज से, हम सभी लोग, हम सभी कार्यकर्ता और सभी आम व्यक्ति जो शपथ लेते हैं कि चाइना की वस्तुओं का बहिष्कार करेंगे और जितना ज़्यादा हो सके उतना ज़्यादा विरोध करेंगे उसका। तो हमारी ये रैली है, उसका एक उद्देश्य तो ये है कि हमें चाइना जो सपोर्ट कर रहा है पाकिस्तान को, उसको तोड़ना है, उसे नीचे झुकाना है। हर एक सरकार की अपनी एक नीति होती है, व्यापार नीति होती है, उसके तहत वो मजबूर हो सकती है, लेकिन हम लोग मजबूर नहीं है। हम राष्ट्र के संरक्षक हैं, संवर्धक हैं, इसलिए हम मजबूर नहीं है और हम इसका विरोध करते हैं और सभी से अपील करते हैं कि चाइना के सामान का विरोध करें ताकि हम उन्हें नीचे झुका सकें और अपने राष्ट्र का गौरव ऊपर कर सकें। लोकसभा चुनावों के चलते निर्वाचन आयोग द्वारा लगाई गई आदर्श आचार संहिता के पालन में पुलिस द्वारा इन दिनों लगातार चेकिंग अभियान चलाकर चालानी कार्रवाई की जा रही है, साथ ही असामाजिक तत्वों की धरपकड़ भी की जा रही है। रविवार को पुलिस ने फूलबाग चौराहे पर बैरिकेड लगाकर यातायात के नियमों का पालन न करने वाले वाहन चालकों पर कार्रवाई करते हुए उनके चालान भी काटे। चुनाव के मद्देनजर रखते हुए चेकिंग अभियान चलाया जा रहा है। टू व्हीलर, फोर व्हीलर गाड़ी में 3 सवारी, बिना नंबर प्लेट गाड़ियाँ, और अभी ढंग से गाड़ियाँ चलाते हुए कार्रवाई की जा रही है। अभी करीबन 8 से 9 गाड़ियों पर कार्रवाई हो चुकी है, अभी तक कार्रवाई जारी है अभी। और अब हमें दीजिए इजाजत और आप बने रहिए इंडिया खबर लाइव के साथ। नमस्कार।